नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अपर्णा। मौजम वक्त खबर असरदार का हो गया और बात करेंगे अवैध वसूली का गजब के। जी हां, आज हम आपको कुछ ऐसे नीले गुलाबी और सुनहरे कार्ड के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें सुनकर आपको लग रहा होगा कि हम आपको किसी एटीएम क्रेडिट कार्ड या किसी सरकारी योजना की बात बताने जा रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कार्ड है वसूली के, रिश्वतखोरी के, अवैध वसूली के खेल की पड़ताल करती ये रिपोर्ट देखिए। हाईवे पर अवैध वसूली का गजब खेल, परिवहन विभाग का लूट तंत्र, आज होगा वसूली के गोरख धंधे का पर्दाफाश। न्यूज 18 पर हाईवे के लुटेरों का खुलासा। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही दो तरह की ये पर्ची है गोल्डन कार्ड, जिसे नेशनल हाईवे 30 मंडला जबलपुर बॉर्डर पर खड़ी जबलपुर संभागीय उड़न दस्ता टीम ने ट्रक ड्राइवर और भारी वाहनों के लिए जारी किया है, जिसमें सिर्फ गाड़ी का नंबर लिखा हुआ है और किस तारीख को जारी किया गया है वो लिखा हुआ है। इसके साथ ही गोले में लिखा हुआ है नंबर। दरअसल वो महज एक नंबर नहीं, वो रुपए बताने की संख्या है। अगर गाड़ी छोटी है तो नीला कार्ड जिसमें लिखे हैं 15 नंबर यानी 1500 रुपए, और अगर बड़ी गाड़ी है तो पिंक कार्ड, उसमें 20 नंबर लिखा है यानी 2000 रुपए। इसके साथ ही कार्ड में वैलिडिटी भी लिखी रहेगी। इस कार्ड को दिखाने से नेशनल हाईवे 30 पर मंडला जिले के डोभी ग्राम के पास खड़ी आरटीओ की टीम किसी भी वाहन को नहीं पकड़ेगी, और यदि यह कार्ड नहीं है तो फिर 1000 रुपए से लेकर 20000 तक का जुर्माना ठोक दिया जाता है। अभी वो हमारे 2000 रुपए लिए। कितना लिया? 2000 रुपए लिए हमारे से। कुछ रसीद दी उन्होंने आपको? हाँ, ये रसीद दी हमारे को। क्या है ये? बस ऐसे ही है ये। इसका क्या मतलब होता है इस कागज का? ये 20000 मतलब 2000 रुपए। हाँ, तो अभी आप यहाँ से जाएंगे आएंगे तो ये हर महीने रोज लग देगा? नहीं, रोज नहीं, महीने का बना दिया है। अभी कितने बार आओगे, निकलो आप 2000 रुपए। छत्तीसगढ़ मंगेली। कहाँ, क्या ले हो सामान? इसके खाली बोतल है दारू का। अच्छा, तो वो आरटीओ वाले ने चलान ठोका आपका? नहीं, चलान नहीं ठोक रहा, अंडरलोड गाड़ी है। हाँ, एंट्री लिया 300 रुपए। एंट्री ली? हाँ, 300 रुपए। किस बात की एंट्री? अब क्या बताएं, एंट्री में कुछ बोल देते हैं। हाँ, ये इसी फलानी चीज नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। गाड़ी अंडर लोड भी रहती है फिर भी पैसा रोड में एमपी में लेते ही है। हर बॉर्डर में भी 2000 रुपए लेते हैं। पीछे आप चल जाइए, पीछे में भी लेते हैं पैसा 1200 रुपया। ओके, गाड़ी पेपर ओके रहे, अंडर लोड रहे, उससे उनको कोई मतलब नहीं। परिवहन के आरक्षक खुद बताते हैं कि अलग अलग हाईवे पर 3-3 दिन खड़े रहने का आदेश है, उसके तहत खड़े रहते हैं, लेकिन ये टीम तो सालों से यही खड़ी है जो जमकर वसूली कर रही है। कोई भी संतुष्ट होता नहीं है। जलानी कार्रवाई से आदमी बोलता है कि भाई हमारे पास जबरदस्ती जुर्माना कर रहे हैं, जबकि आप देखे खुद ही देख रहे हैं जो भी गाड़ियाँ रुक रही हैं, ना कोई प्रॉपर ड्रेस कोड में है, किसी किसी क्या बोलना चाहिए अपना रिमोल टायर है, बहुत सारे 250 सेक्शन है मोटर व्हीकल एक्ट में जो यांत्रिकी त्रुटियां कहलाती हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग कार्रवाई करते हैं। किसी का जुर्माना 500 रुपये, किसी का जुर्माना 1000 रुपये, जैसी कमी पाई जाती है उसके अकॉर्डिंग ही जुर्माना राशि वसूल करके और वाहन को मुक्ति आता है। नेशनल हाईवे 30 जबलपुर से रायपुर और रायपुर से जबलपुर मार्ग से रोजाना करीब 1000 वाहन गुजरते हैं। इनसे अगर 1500 के हिसाब से गोल्डन कार्ड बनाकर अवैध वसूली की जा रही है तो भी यहां काली कमाई का आंकड़ा करोड़ों में पहुंच जाता है। मुद्दा यहां सिर्फ भ्रष्टाचार का नहीं है बल्कि कानून व्यवस्था और देश की सुरक्षा का भी है। अगर आरटीओ अमले की जेबें गर्म करके ये बेरोक टोक ट्रक ड्राइवर मादक पदार्थ या फिर हथियारों की तस्करी करने लगे तो इसका खामियाजा हमारे देश को उठाना पड़ेगा। तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? कृष्णा साहू, न्यूज 18 मंडला। और बात अब उस फरमान की जो दबंगों की दबंगई को बताता है। गांव के कुछ लोगों को चुनाव में मतदान करना भारी पड़ गया। यूं तो मतदान करना सबका अधिकार है यहां, लेकिन मामला उल्टा हो गया। लोगों ने वोट दिया, दबंगों ने उनको समाज से अलग कर दिया, उनका हुक्का पानी बंद कर दिया। आखिर ऐसा क्यों हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। दबंगों का ये कैसा फरमान, मतदान पर तालिबानी सजा, मजबूर लोगों की प्रशासन से गुहार, धमकी पर धमकी, कहां हो सरकार।
गांव में विकास कार्य नहीं हुए तो लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया। प्रशासन ने समझाया तो मतदान किया, लेकिन दबंगों की दबंगे ही देखिए। मतदान क्या किया, दबंगों ने समाज से ही अलग कर दिया। मामला पन्ना जिले के बड़ी मोहोर गांव का है। कुशवाहा समाज के लोगों का आरोप है कि रोड नहीं होने पर मतदान का बहिष्कार का ऐलान किया था, लेकिन प्रशासन के आश्वासन के बाद मतदान किया, मतदान कर दिया, लेकिन उसके बाद दबंगों ने जीना मुश्किल कर दिया। इसलिए कि हमने वोट डाल दिया, सो हमको धमकी देते हैं गांव के, वो हमारे घर वालों के मनसिल को दारू पी पी वतंगबाजी करते हैं गांव के। अच्छा। मारते हैं। शिकायत की आपने कहीं इसकी? हमने अब जी करे भी ये हमारे घर के, वो हम फिरते हैं बंजी तो हम पीछे पीछे क्यों बेचती हो तुम, क्यों वा करती हो, वो सौदा ले जैसे रोक टोक करते हैं कि क्यों दे तुम, क्यों लेते हैं, क्यों वा करते हो। शंकर जी की स्थापना सो इन लोगों ने नहीं करन दी, और फिर जो लोग वोट चुनाव हो पड़ी, सो वोट चुनाव में कहाँ लगे कहाँ लगे, हम तुम लोगों को वोट नहीं डालना, अपने गाँव को रोड नहीं है, जब रोड डर जाएगा तब वोट डालेंगे सबली नगरी के। सो हम का मैडम तहसीलदार ने आई, SDM तहसीलदार में आई, सो सरपंच आए, सो हमारी कछुआरे पहुँचे, कहें तुम लोग कितने हो, हम की 40 आदमी हैं, कहा 40 आदमी पोलिंग खाली ना जाए, तुम लोग वोट डाल दो, हम की जो गांव के मारेंगे अभी मंदिर से मारते हैं और फिर वोट डाल देंगे, कहें कि गांव भर वोट नहीं डालती 600 वोट, वो तुम और 40 वोट क्यों डाल रहे हो। तो मैडम जी बोली और सरपंच जी बोले कि तुमको जब कोई धमकी देगा तो हमसे बताना। सो जब मारने के लाने उतारू होने लगे, हमारी औरतें मूरा पालक धनिया गांव को ले जाती हैं बेचने के लिए, तो जे राजू और महाराज सिंह देवेंद्र गिल्ला जो पीछे पीछे पूरे गांव में डुंडी पीटते हैं कि इनकी धनिया पत्ती न लेना कोई। इस मतदान की वजह से लोगों के बीच आपसी रंजिश हो गई। गांव के दबंगों ने लोगों का हुक्का पानी बंद कर दिया। कुशवाहा समाज के लोगों की सब्जी खरीदने से भी मना कर दिया। आए दिन रास्ता रोककर अभद्रता की जाती है, जान से मारने की धमकी भी दी जाती है। भगवान शिव के मंदिर में ताला लगाकर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा भी रोक दी गई है। जो अभी वर्तमान में विधानसभा चुनाव हुआ है, श्रीमान जी हमारी मोहर कला में वर्तमान विधानसभा चुनाव का बहिष्कार हुआ था, जिसमें से कुशवाहा समाज के समस्त लोगों ने इसमें भाग लिया और मतदान किया, जिसमें से राजपूत समाज द्वारा कुशवाहा समाज को प्रताड़ित किया जा रहा है एवं गांव से निकलने में निकलते हैं तो धमकी दे रहे एवं सब धोबी नाव बंद कर दिए गए हैं साहब। और श्रीमान जी जो वर्तमान में हमने मंदिर बनवाया है उसमें इन लोगों ने ताला डाल दिया है और भगवान की प्रतिमा भी नहीं बैठाने दे रहे, जिसके कारण हमने गेट पर प्रतिमा बैठा दी है और मंदिर में ताला लगा है। और जो लोग कहते हैं कि तुमने मतदान किया है इसलिए हमने ताला डाला है। पीड़ित लोगों ने कलेक्टर से कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल देखना होगा प्रशासन की ओर से इस पर क्या एक्शन लिया जाना है। पन्ना से संजय तिवारी, न्यूज सिटी। एक किसान को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाते लगाते 16 साल बीत गए। प्रशासनिक अधिकारी बदले लेकिन उसकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। दफ्तरों के चक्कर लगाते लगाते उसकी चप्पल घिस गई, लेकिन मजाल है किसी के कानों में जूं तक रेंगी हो। परेशान मौजीलाल आज भी अधिकारियों के चक्कर काट रहा है। सिस्टम से हारा मजबूर मौजीलाल, किसान से मजदूर बना मौजीलाल, कलेक्टर बदले लेकिन नहीं मिला न्याय। 16 साल से न्याय का इंतजार, यह है मौजीलाल। नाम भले ही मौजी है लेकिन परेशान है, इतने परेशान कि इनका नाम मुसद्दीलाल हो गया है। एक टीवी सीरियल आपने देखा होगा जिसमें एक शख्स अपने काम के लिए ऑफिस के चक्कर काटता रहता है, कुछ ऐसा ही हाल खंडवा के मौजीलाल का है। 16 साल से, जी हाँ 16 साल से दफ्तरों के चक्कर काटते काटते पैरों की चप्पल घिस गई, लेकिन साहब हैं कि कुछ समझते ही नहीं। और कभी भी मैंने मेरे खेत में मैंने 2 दाने नहीं, मेरे घर से 2 लाख रुपए लग गए खेत में, हल्ला बखरना लोगों से, जिसने ट्रैक्टर चलाया उसका डीजल का पैसा भी नहीं दिया। घर के रिसाव से पानी से जमीन दलदल हो जाती, रवि खरी की दोनों खराब हो जाती सर। जी हाँ, ये मामला जमीन का है। किसान के लिए जमीन ही सब कुछ होती है। 16 साल बीत गए, जमीन पर फसल नहीं की है। नहर के पानी से हो रहे रिसाव के कारण जमीन
दलदल बन चुकी है। अब मौजीलाल कैसे खेती करे और कैसे परिवार को पाले? किसान से मजदूर बन गया है मौजीलाल। एक बार कपड़े देकर मेरे को समझा दिया और कुछ नहीं हुआ, और उसके बाद में एक बार 5,000 रुपए दे दिए थे एक साहब ने। अब मेरी जमीन ठीक करवाना चाहता हूँ सर, कि उसमें मैं पैदा कर सकता हूँ। 16 साल में 13 कलेक्टर बदले, लेकिन मौजीलाल की जमीन को लेकर कुछ नहीं हो पाया। कई कलेक्टर तो उसकी स्थिति को देख उसे कपड़े और कुछ रुपए तक दे गए, लेकिन जमीन का मसला है कि हल ही नहीं होता। प्रशासन की ओर से जांच की बात अब जाकर कही गई है। ये संबंधित SDM और LBD के जो भी अधिकारी हैं वो संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण करें और देखें कि क्या कारण है जिसकी वजह से उसके खेत में पानी भर रहा है, और वो अगर भर रहा है तो फिर उसमें किस तरीके से उसके खेत में सीपेज के पानी को रोका जा सकता है, और उसके खेत को किस तरीके वापस कृषि योग्य बनाया जा सकता है, इस पर 7 दिन के भीतर एक रिपोर्ट दें। और ना सिर्फ रिपोर्ट दें बल्कि उसके खेत को कृषि योग्य बनवाने के लिए जो हर संभव प्रयास हो सकता है वो प्रयास करके बताएं। जब 16 साल इंतजार किया है तो 7 दिन और सही। प्रशासन को कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं, समस्या का समाधान कब तक होता है ये तो फिलहाल देखने वाली ही बात है। खंडवा से अमित जायसवाल, न्यूज 18 के लिए। वहीं भारत सरकार की ओर से स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के अवार्ड का ऐलान कर दिया गया। हर साल की तरह इस साल भी अवार्ड में मध्य प्रदेश की धूम रही। प्रदेश को अलग अलग कैटेगरी में 6 अवार्ड मिले हैं। एक बार फिर से इंदौर को देश के सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड मिला है। 7वीं बार इंदौर देश में सिरमौर बना है। स्वच्छता में एक बार फिर इंदौर का परचम, लगातार 7वीं बार इंदौर बना सिरमौर। MP देश का दूसरा सबसे स्वच्छ राज्य। स्वच्छता का मिशन, MP की पहचान। देश में स्वच्छता सर्वेक्षण अवार्ड 2023 का ऐलान कर दिया गया है। एक बार फिर स्वच्छता में इंदौर ने परचम लहराया है। इंदौर को लगातार 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड मिला है। इंदौर को गार्बेज फ्री सिटी में 7-स्टार रेटिंग मिली है। नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने CM डॉक्टर मोहन यादव को अवार्ड दिया। इस दौरान CM ने इंदौर का पहला पुरस्कार मिलने पर इंदौर के लोगों को बधाई दी। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार ने जो स्वच्छता पुरस्कार का क्रम जारी रखा, और मैं मध्य प्रदेश की तरफ से सभी प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहूँगा कि हमारा राज्य में पहला नंबर का पुरस्कार स्वच्छता नगर के नाते से इंदौर नगर निगम को मिला है। मैं नगर निगम इंदौर के सारे रहवासियों को, सारे जनप्रतिनिधियों को, सारे स्वच्छता जुड़े हुए छोटे से छोटे कर्मचारियों को भी बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने लगातार 7वीं बार ये बड़ा पुरस्कार जीता है। स्वच्छता में पहला पुरस्कार मिलने पर इंदौर में जश्न का माहौल है। लोग नाचते हुए नजर आए। उधर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि स्वच्छता में आगे बढ़ने का मतलब है कि लोग जागरूक हैं। इंदौर के लोग स्वच्छता को लेकर जागरूक हैं। स्वच्छता अभियान अब एक जन आंदोलन बन गया है। मैं इंदौर के महापौर, नगर निगम की टीम, सफाई कर्मी और इंदौर की जनता को बधाई देता हूँ। और ये जन भागीदारी का एक बहुत बड़ा प्रमाण है, क्योंकि अगर स्वच्छता में नंबर आना हो तो जनता की भागीदारी बहुत अवश्य होती है, और इंदौर जन भागीदारी के लिए पहले से ही जाना जाता है। एक बार फिर से इंदौर की जनता को और महापौर जी को बधाई। बात अगर राजधानी भोपाल की करें तो भोपाल देश का 5वां सबसे साफ शहर है। पिछले साल भोपाल 6वें स्थान पर था। महू को सबसे स्वच्छ कैंटोनमेंट बोर्ड का अवार्ड मिला। सबसे स्वच्छ राज्यों में मध्य प्रदेश को 2रा स्थान मिला है। पहले स्थान पर महाराष्ट्र रहा। इस बार मध्य प्रदेश के खाते में कुल 6 नेशनल अवार्ड आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। उधर छत्तीसगढ़ ने भी स्वच्छता के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर अपना परचम लहराया। स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। देश के सबसे स्वच्छ राज्यों में छत्तीसगढ़ को 3रा पुरस्कार मिला है। छत्तीसगढ़ के कुल 5 शहरों को स्वच्छता सर्वेक्षण की अलग अलग कैटेगरी में पुरस्कार मिला है। देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित समारोह में रायपुर, कुम्हारी, महासमुंद, आरंग, पाटन को पुरस्कार से नवाजा गया। रायपुर कचरा प्रबंधन में अव्वल नंबर पर आया है। 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में
दुर्ग जिले के पाटन को देश में दूसरा स्थान मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों नई दिल्ली के भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में आयोजित समारोह में सीएम विष्णुदेव साय ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य की बात है, सौभाग्य का विषय है कि आज स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार समारोह में तीसरा स्थान मिला है और हम धन्यवाद देना चाहेंगे पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को, हमारा जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है उसको, हमारे लाखों लाखों स्वास्थ्य कर्मियों को, स्वास्थ्य मित्रों को जिन्हें पूरे प्रदेश को स्वच्छ रखा है और आज तृतीय पुरस्कार हमारा प्रदेश हासिल किया है और हमारा एक नगर पालिका भी मतलब तृतीय स्थान प्राप्त किया है, तो उस नगर पालिका को भी, वहाँ के भी स्वास्थ्य कर्मियों को, स्वास्थ्य मित्रों को हम धन्यवाद देना चाहते। इधर स्वच्छता में छत्तीसगढ़ का ग्राफ बढ़ा है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि स्वच्छता को लेकर लोग जागरूक हो रहे हैं, सबकी सहभागिता से प्रदेश सुंदर बनेगा। निश्चित रूप से जिस प्रकार से 2014 में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया और स्वच्छता जन आंदोलन बन गया है, ऐसे में छत्तीसगढ़ को आज जो 6 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, मैं छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत बधाई देता हूं। छत्तीसगढ़ को स्वच्छ और सुंदर बनाने में जो लोग लगे हुए हैं, अधिकारी कर्मचारी अलग अलग संस्थाएं, उन सबको, जन प्रतिनिधियों को, सभी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। छत्तीसगढ़ में 2014 से 2017 के दौरान स्वच्छता को लेकर जो नीतियां बनाई गईं, उनमें बहुत से काम हुए। प्रदेश में सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के लिए सुविधा 24 योजना शुरू की गई। प्रदेश में स्वच्छता को लोगों की आदत में शामिल करने और इसे स्थायी रूप से व्यवहार में लाने के लिए कचरा प्रबंधन, निजी सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालयों का निर्माण, सफाई मित्रों की सुरक्षा, कचरा मुक्त शहर, ODF तथा सेप्टिक टैंक के अवशेष के निपटान पर अभियान चलाए गए, जिसके परिणाम ये रहे कि छत्तीसगढ़ ने स्वच्छता के क्षेत्र में परचम लहराया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और अब बात करते हैं बीजेपी के महामंथन की, जो सीहोर में आज देखने को मिला है। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर यहां मंथन किया गया। बीजेपी दिग्गजों की ओर से विकसित भारत संकल्प यात्रा पर भी चर्चा हुई है और महामंथन के बाद क्या निकला है उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ शैलेंद्र चौहान, हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, घंटों चली ये बैठक बंद कमरे के अंदर, जब महामंथन हुआ, मंथन में चिंतन किया गया, क्या निकल कर आया बाहर? देखिए, बीजेपी की जो महामंथन से जो अमृत निकला है, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश भी अब पूरी तरीके से राममय होगा। भाजपा ने आज बैठक में तय किया है कि जो 22 जनवरी को रामलला मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा होगी, उस दिन हर घर में 11 दीप जलाने का अभियान पार्टी चलाएगी। इसके अलावा हर प्रदेश के मंदिर में महाआरती होगी। इसके साथ ही फरवरी और मार्च, इन 2 महीनों में प्रदेश की जो 29 लोकसभा सीट है, हर लोकसभा सीट से 6000 वॉलंटियर्स को बीजेपी दर्शन के लिए रामलला ले जाएगी, अयोध्या ले जाएगी। ये बड़ा एक चर्चा हुई है, मंथन हुआ है। इसके अलावा लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए जो मिशन 2024 है, उसको लेकर चर्चा हुई है। उसमें सबसे बड़ा फैसला ये हुआ है कि मध्य प्रदेश में पिछले 3 चुनाव से जो भाजपा 11,000 बूथों पर चुनाव हार रही थी, उन 11,000 बूथ के लिए नई रणनीति बनाई गई है। तो हारे हुए बूथों को कैसे वापस से जीता जाए, उसके लिए खास रणनीति पर काम यहाँ पर किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, इस पूरी जानकारी के लिए। तो यहाँ पर क्या कहा गया वो भी आपको सुनवा देते हैं। तो विकास है ना मुद्दे हैं, वो सिर्फ आरोप के अलावा कुछ नहीं लगा सकती। भारतीय जनता पार्टी ने इतना विकास किया है, भारतीय जनता पार्टी ने इतनी जनकल्याणकारी योजनाएं बनाई हैं, बहुत सी बातें हैं, मुद्दे हैं, विकास हैं, योजनाएं हैं। हमारे पास लक्ष्य है भारत विकसित बनाने का, इस भारत माता को परम वैभव बनाने का, और कांग्रेस के पास सिर्फ दूसरों पर इल्जाम लगाने के अलावा कोई मुद्दा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक ही, जो आप पूछ रहे हैं कि नए चेहरों पर हम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी का एक ही चेहरा होता है, वो कमल का फूल। इस बार चुनाव हम छिंदवाड़ा में भी जीतेंगे, पिछली बार हम 28 सीट जीते थे, इस बार 29 से भारतीय जनता पार्टी जीतेंगे। तो राम काज से दूरी, वोट बैंक की ऐसी क्या है मजबूरी? पूर्व सांसद और वरिष्ठ पत्रकार बलबीर पुंज ने राम मंदिर उद्घाटन समारोह का निमंत्रण ठुकराने को लेकर
कांग्रेस पर निशाना साधा है। अपनी लिखी किताब ट्राइस विद अयोध्या पर चर्चा करते हुए बलबीर पुंज ने कहा कि पंडित नेहरू के समय से ही कांग्रेस हिंदुत्व को लेकर अवसरवादी राजनीति करती रही है और ये कांग्रेस के डीएनए में है, इसीलिए वो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में नहीं जा रहे हैं। बलबीर पुंज के मुताबिक कांग्रेस राम से बढ़कर राहुल गांधी का भविष्य देख रही है और यही वजह है कि राहुल गांधी केरल से चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि वहां मुस्लिम वोटर्स ज्यादा हैं। पूर्व सांसद बलबीर पुंज ने अखिलेश यादव पर भी हमला बोला और कहा कि ये लोग सिर्फ एक वर्ग की राजनीति करते हैं। बता दें पंडित नेहरू ने कैसे हिंदुत्व को अवसरवाद में बदला और कैसे उन्हें हिंदू मंदिरों से प्रेम नहीं था, इसकी पूरी जानकारी बलबीर पुंज की किताब में दी गई है। बलबीर पुंज की इस किताब का विमोचन 13 जनवरी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हाथों होगा। अयोध्या के ऑथर बलबीर पुंज साहब हमारे साथ हैं। सर, इस किताब को लेकर क्या मुख्य बातें हैं और क्या कुछ कहा? देखिए, मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे राम जी के ऊपर और अयोध्या के ऊपर ये पुस्तक लिखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने जब इस पुस्तक के बारे में लिखने से पहले अध्ययन करना शुरू किया तो 3-4 बातें ध्यान में आई। एक तो ये ध्यान में आई कि आजादी के बाद इस सारे विवाद को बहुत जल्दी सुलझाया जा सकता था। इस विवाद को 70 वर्षों तक राजनीतिक और विचारधारा के कारणों के कारण लटकाए रखा गया और देश ने उसकी बहुत भारी कीमत अदा की। 22 दिसंबर 23 दिसंबर के बीच में मूर्तियां प्रकट हुई, जिसके बारे में दो राय हो सकती हैं। कुछ लोग उसको दैवी चमत्कार मानते हैं और कुछ लोग मानते हैं कि वो रखी गई थी। जब कोर्ट ने वहां पर 29 दिसंबर को सेक्शन 145 में प्रोसीडिंग शुरू की और कहा कि रामलला की मूर्ति वहां रहेगी और उसकी पूजा अर्चना होगी, जो भी मंदिर का प्रोटोकॉल होगा, तो किसी मुसलमान ने आपत्ति नहीं की। ना केवल आपत्ति नहीं की, कम से कम 12 मुसलमानों ने, स्थानीय मुसलमानों ने एफिडेविट दे के कहा कि ये राम मंदिर था, यहाँ पे हिंदुओं का ही क्लेम है और हम तो 1934 के बाद कभी वहां गए नहीं, अब ये स्थान मस्जिद नहीं है, हम अपना कोई इस पे क्लेम नहीं रखते और यहाँ इस जगह का उपयोग जो हिंदू भगत हैं जैसे करना चाहें करें। तो विवाद तो था ही नहीं कोई भी। और वहां पे जो आंदोलन करने वाले लोग थे, बाबा राघव दास कांग्रेस के नेता थे, एमएलए थे, गांधीयन थे, हिंदू महासभा थी, जनसंघ का जन्म भी नहीं हुआ था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वहां ज्यादा उपस्थिति नहीं थी और सारा समाज सिविल सोसाइटी चाहती थी मंदिर बने, परंतु विचारधारा के कारणों और एक कंटेम्प्ट फॉर हिंदू जो नेहरू जी के मन में था, उसकी वजह से ये विवाद लटका रहा। और जितने कारण बताए गए कि मंदिर नहीं बनना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की पीठ में, जिसमें एक मुसलमान जज भी थे, उन्होंने सर्वसम्मति से कहा कि ये सारे के सारे तर्क झूठे हैं और झूठे तर्कों से मंदिर के निर्माण को रोका जा रहा है। और उन्होंने एक सर्वसम्मति से निर्णय करके वो भूमि दी कि भाई यहाँ पे मंदिर का निर्माण हो। तो नेहरू जी ने जो बीज बोया उसी पेड़ पर शायद कांग्रेस चल रही है। वो कह रही है कि हम उद्घाटन में नहीं जाएंगे, अब उसका राजनीतिक फायदा क्या होगा, ये तो कांग्रेस जाने, लेकिन कांग्रेस ने बायकॉट किया। कांग्रेस ने तो राम और राहुल के बीच में से राम को छोड़ा, राहुल को पकड़ा, क्योंकि वायनाड की सीट से राहुल को जितवाना है। वहां पे 55% वोटर जो हैं वो नॉन हिंदू हैं, कांग्रेस उस रिस्क को ले नहीं सकती और पूरे देश में कांग्रेस के लिए वायनाड के अतिरिक्त कोई सुरक्षित स्थान अवेलेबल नहीं है और इसलिए उन्होंने ये निर्णय लिया। तो लगता नहीं कि कांग्रेस अवसरवादिता की राजनीति करती है हिंदुइज्म को लेकर? अवसरवादिता की राजनीति भी करती है, उसके साथ साथ इनबिल्ट कंटेम्प्ट है हिंदुइज्म के बारे में, इस वजह से। सपा भी अब पीछे हो रही है, कह रही है कि हम नहीं जाएंगे, अखिलेश यादव अभी फिलहाल नहीं। अखिलेश का तो समझ में आता है क्योंकि 30 अक्टूबर 1-2 नवंबर को जो अत्याचार कर सेवकों के ऊपर, मैंने उसका काफी विवरण दिया है अपनी किताब के अंदर, तो पूरा तो उनका जो सपोर्ट बेस है वो तो मुसलमानों का ही है और उनको लगता है कि अगर राम जन्मभूमि पे जाएंगे तो वोट बैंक खिस सकता है। सारे के सारे इसी में है कि मुसलमान वोट बैंक को पकड़ के रखें। सर, महात्मा गांधी राम को लेकर आगे बढ़े, लेकिन नेहरू जी
उसी से पीछे हट रहे हैं, तो क्या लगता है क्या है? नहीं देखिए, महात्मा गांधी तो राम नाम के साथ ही जीते थे, उन्होंने राम का नाम लेके ही पूरे देश को स्वतंत्रता आंदोलन के साथ जोड़ा, और जब उनको गोली लगी तब भी उनके मुंह पे राम नाम था, उनकी समाधि पे भी हे राम लिखा हुआ है। तो साफ तौर से बलबीर पुन साहब की जो किताब है टेस्ट विद अयोध्या, इसको जरूर पढ़ें, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी लिखी हैं जो फिलहाल कांग्रेस या और भी बहुत इतिहास अयोध्या से जोड़कर इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको मिलेंगे कि आखिर क्यों कांग्रेस पीछे हट रही है, उसके पीछे की वजह क्या है, और शायद यही वजह बलबीर साहब ने अपनी किताब में दिया है जिसको जल्द ही आप लोग भी पढ़ेंगे। कैमरामैन प्रहलाद के साथ सुशील पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। तो खबर असरदार में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, खबरों के सिलसिले को आगे देखने के लिए बने रहिए न्यूज 18 के साथ।